बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो बच्ची टोमल की बच्ची है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज तक टोमल ने अपने मुंह से अपनी बच्ची का नाम नहीं लिया, उस बच्ची को आज तक अपनी सगी माँ का प्यार नहीं मिला, तो ये चीज देख के बुरी लगती है। क्योंकि हर बच्चे के सर पे माँ का साया होना बहुत जरूरी है, और माँ के होते हुए भी अगर उस बच्ची को माँ का हाथ नहीं मिला, माँ का साया, माँ का प्यार नहीं मिला, तो बदनसीब वो बच्ची तो है ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो, एंड सावन के एक और सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज बहुत ही जबरदस्त बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बारिश का आनंद लिया जाए, तो मैं भी बारिश में आज आराम से मस्ती मार के आ चुकी हूँ। सो दोस्तों, टोमल के हस्बैंड ने ना हद ही कर दी है, ये थाली का वो बैंगन हो गया है, कभी इधर तरफ लुढ़कता है, कभी उधर तरफ लुढ़कता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि टोमल के एक्स जेठ ने आके टोमल के बारे में बहुत सारी बातें बोली, और उन्होंने ये भी बात करी कि थोड़े दिनों में आने वाली अपनी एक वीडियो में वो बहुत सारी ऐसी चीजें रिवील करेंगे जिससे ऑडियंस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे अचानक से टोमल के एक्स हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ के लिए प्यार जाग गया, और उन्होंने टोमल के सपोर्ट में आते हुए कमेंट कर दिया कि दूसरों को बदनाम करना छोड़ दो। ठीक है, तो समझ में नहीं आता कि ये भाई साहब करना क्या चाहते हैं, ये भाई साहब बदनामी करना चाहते हैं या बदनामी से उन्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से अपना पॉइंट बदल देते हैं ना कि सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो अभी इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जानू की बचपन की एक तस्वीर लगाई है, और उस तस्वीर के साथ उन्होंने एक कैप्शन डाला हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज शाम को वो पोस्ट करने वाले हैं जिसमें जाह्नवी की मम्मी के बारे में वो सब कुछ बताएंगे। तो जाह्नवी की मम्मी के बारे में ये क्या सब कुछ बताएंगे, क्या उनकी मम्मी की तारीफों के पुल बांधेंगे या अगेन उनकी मम्मी की पोल खोलेंगे, तो इनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इनको बोलना क्या है और करना क्या है। जहां तक देखने में ऐसा लगता है ना कि ये भी सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी के लिए अपनी एक्स वाइफ का बार बार नाम लेते हैं जिससे कि इनको व्यूज मिल जाए और लोगों की जो अटेंशन है ना वो इनको मिल जाए, तो एक नंबर के अटेंशन सीकर हो चुके हैं। खैर, इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि टोमल भी बहुत कोई दूध की दूली भी तो है नहीं, वो भी अटेंशन सीकर ही है। उन्होंने अटेंशन ली थी अपनी भाभी की आगे बढ़ने के लिए, और इनके एक्स हस्बैंड अटेंशन ले रहे हैं इनकी अपनी एक्स वाइफ की व्लॉगिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे को तैसा, वही वाला हिसाब किताब इनका चल रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, और साथ ही साथ टंकच में गुस्सा भी हो रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई चीज बतानी है और तुम्हारे पास वाकई में कोई इतने सारे प्रूफ्स है, इतने सारे सबूत है, तो तुम एक ही बारी में बोल के नक्की करो ना। तुम इंस्टॉलमेंट पे किश्तों की तरह आते हो, आज एक इंस्टॉलमेंट इस महीने की है, एक लाइन बता के चले जाते हो, फिर नेक्स्ट महीने में तुम्हारे अंदर का बाप फिर जागता है, तुम्हारे अंदर का आदमी फिर जागता है, तुम फिर एक लाइन बता के जाते हो, फिर गायब हो जाते हो, फिर ठंडे हो जाते हो। तो ऑडियंस भी यही बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसे तुम्हें बताना चाहिए, या जो ऐसा बहुत गलत तुम लोगों के साथ हुआ था, तो एक ही बारी में खुल के बता दो ना। ये बार बार व्यूज के चक्कर में बार बार ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलना, दिल के साथ खेलना, इस चीज से ऑडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। तो उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे कई सारे कमेंट आए हैं। खैर, देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखते हैं इस बार ये क्या ऐसा दिखाने वाले हैं, या ऐसा क्या बोलने वाले हैं। ऐसा ना हो कि जाह्नवी की मम्मी के बारे में बताने के चक्कर में कोई नई मम्मी उठा के ले आए और इंट्रोड्यूस करवा दे सारी YouTube फैमिली को कि ये है जाह्नवी की न्यू मम्मी, इन्हीं के बारे में बताने के लिए मैंने आप सबके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था। खैर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं व्यूज के लिए, डेली व्लॉगर है। जाके उन घरों में देखो जिनके घर में औलाद नहीं होती, लोग औलाद के लिए दर दर मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहाँ कहाँ भगवान के आगे झोली फैलाते हैं कि हमें औलाद दे दो। उन लोगों से औलाद का दर्द समझो, उनको कुदरत ने औलाद जैसी खूबसूरत चीज से नवाजा है, बख्शा है, वो लोग औलाद के साथ ये कर रहे हैं। चाहे आप वो टोमल को देख लो, चाहे वो आप स्नेहा को देख लो, बोलते ना बिन मांगे जब सब चीजें मिल जाती है ना तो उन चीजों की कद्र नहीं होती। लेकिन जो लोग इन चीजों को पाने के लिए इतनी इतनी सर्जरी, इतनी इतनी मेडिसिन, भगवान, मेडिकल सब चीज के आगे झुके हुए हैं ना, ईश्वर उनको ये चीज नहीं देता। लेकिन जो लोग इन चीजों की कद्र नहीं करते ना, उनको बिन मांगे मिल जाता है। खैर, ये नसीब नसीब की बात है, लेकिन इस तरीके से करके ना आप उन सब माओं का दिल दुखा रहे हो जिनके घर में कोई संतान नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, उन माओं का दिल दुखा रहे हो कि वो लोग इन बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, और आप लोगों के पास अपने खुद के बच्चे हैं, उसके बाद बच्चे, कोई बच्ची बिन माँ का यहाँ बैठा है, कोई बच्चा बिन माँ का वहां बैठा है, परिवार के झगड़ों की वजह से, माँ बाप के झगड़ों की वजह से
बच्चे अपने माँ बाप से सब जगह अलग अलग होके बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे देखने में ना बहुत ही अजीब लगती है और बुरी लगती है, क्योंकि इस तरीके की चीजों को देख के बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, यही सेम चीजें फॉलो करते हैं, और इस तरीके से ना दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ तो हो ही रखा है और कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की वजह से बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। सो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन पंकज मेहता के लिए, जो कि आए दिन एक नई नई कम्युनिटी, एक नए नए कंट्रोवर्सी के तहत अपनी एक्स वाइफ के नाम के जरिए अपने व्यूज कमाना चाहते हैं और अपने बच्चे का तो खैर वो सहारा लेते ही हैं, तो सभी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।